राजेश्वरी नर्सरी देहरादून में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे, वैसे तो राजेश्वरी नर्सरी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के लिए जानी जाती है। सकुलेंट्स की वैरायटीज देख रहे हैं, पेंटास की वैरायटीज देख रहे हैं, बेगोनिया की, सैनिक स्नेक प्लांट की वैरायटी देख रहे हैं। इसके बावजूद आज हम आपको विशेषकर फोकस करेंगे, ये गजानिया की पेड़ है। ये गजानिया बिल्कुल जरवेरा के साथ टाइप का फूल होता है और इस बहुत ही खूबसूरत लंबे समय तक चलने वाला फूल होता है और इसीलिए इसको गजानिया को लोग बहुत पसंद करते हैं। हम आते हैं कैलेंडुला। ये कैलेंडुला फ्लावर है, ये कैलेंडुला फ्लावर है। कैलेंडुला भी बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। ये कैलेंडुला फ्लावर है, कैलेंडुला फ्लावर भी बहुत खूबसूरत फूल होता है। इसमें येलो और ऑरेंज कलर के फूल आते हैं जो हमारे गार्डन को चार चांद लगा देते हैं। ये और ये है स्टॉक, ये है स्टॉक, ये स्टॉक फ्लावर है। स्टॉक में इसमें लंबी स्टिक में फूल आता है और ये बहुत ही खूबसूरत होता है, दो तीन चार कलर में। जी ये हमारे पास काफ़ी बहुत बहुत मात्रा में उपलब्ध है। और इसके बाद आइए हम आपको दिखाते हैं स्वीट विलियम। ये है स्वीट विलियम, स्वीट विलियम फ्लावर भी बहुत ही खूबसूरत फूल होता है और ये गर्मियों तक चलता रहता है। और स्वीट विलियम के बाद नंबर आता है मेरी गोल्ड। मेरी गोल्ड को तो कौन नहीं जानता, मेरी गोल्ड यानी गेंदा। गेंदा ये अफ्रीकन मेरीगोल्ड बोला जाता है और इसे इंका भी कहते हैं। और इंका द्वार वैरायटी का गेंदा होता है जो लगभग 1.5 फीट तक पहुंचता है और बहुत ही खूबसूरत फूल आता है येलो एंड ऑरेंज कलर में। इसके बाद आती है पिटूनिया। पिटूनिया के तो रंगों की बहार ही क्या, पिटूनिया तो लगभग दर्जनों कलर में आती है और बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी खिलती है। और ये है पिटूनिया और हमारे पास काफ़ी बड़ी मात्रा में इसकी पौध है। और हम आपको दिखाते हैं पिटूनिया डबल। पिटूनिया डबल की पत्ती थोड़ी मोटी होती है, फूल डबल में आता है और ये पौध थोड़ी छोटी जरूर है लेकिन बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं इसमें जो डबल गुच्छे में खिलती है। जी अब आपको दिखाते हैं डायंथस। ये पूरी बेड डायंथस की है, इसके बाद एलाइसम। एलाइसम तो बहुत छोटे छोटे पौधों पर ही फूल आप देख रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे पौधों पर फूल आप देख रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर बनाने के काम आता है। ये एलाइसम कहते हैं इसको, बहुत ही अच्छा खिलता है। जी और इसी प्रकार से और भी अन्य बहुत सारी प्रजातियां हमारे पास हैं। जैसे अब हम आपको ले चलते हैं पेंजी के पास। पेंजी, पेंजी यानी तितली। तितली के आकार का बहुत ही खूबसूरत फूल आता है इसका और ये इसके पौधे भी हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में तादाद में हमारे पास मौजूद है। अब हम आपको ले चलते हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का नाम तो किसने नहीं सुना होगा। फ्लॉक्स भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है और ये फ्लॉक्स की पौधे है हमारे पास और ये बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं इसमें गुच्छे में। अब हम आपको दिखाते हैं ऑर्नामेंटल केल। ये गोभी के आकार का, ये इसके पत्ते ही गोभी के आकार के हो जाते हैं और ये गुथकर के बहुत ही खूबसूरत बनता है, इसको ऑर्नामेंटल केल कहते हैं। तो ये बहुत सारे फूलों की वैरायटीज मैंने दिखाई और भी बहुत सारे फूलों की वैरायटीज हमारे पास उपलब्ध हैं। अब जरा कैमरे को इधर घुमा दीजिए, पूरा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को।
वैसे तो राजेश्वरी नर्सरी बहुत विशाल नर्सरी है, बहुत दुर्लभ प्रजाति के पौधे उपलब्ध हैं, लेकिन अभी विशेषकर सीजन फ्लावर की बहार है तो मैंने आपको ये कुछ पौधे दिखाए। आपका स्वागत है, आइए और राजेश्वरी नर्सरी में ये पौधों को लेकर के अपने गार्डन की शुरुआत। धन्यवाद।